ये बात है 1722 की, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जेकब रोगेवीन अपनी बोट में तैरते तैरते गलती से इस आइलैंड पर आ पहुंचा था। उसने क्या देखा कि आइलैंड पर पत्थर से बनी कुछ मूर्तियां समंदर को पीठ देकर खड़े हैं। देखने में ये मूर्तियां किसी देव की तरह लगती थी जिनको बारीकी से पत्थर को तराश कर बनाया गया था। जेकब को ये मूर्तियां देखकर काफी हैरान हो गए और तभी उसने इस आइलैंड को और एक्सप्लोर करना शुरू किया। पता ये चला कि पूरा आइलैंड चंद स्टैचू से नहीं बल्कि कई सौ स्टैचू से भरा पड़ा है, जिसमें कुछ खड़े हैं तो कई जमीन पर गिरे हुए भी दिखाई दिए। इस आइलैंड की एक और खास बात ये भी है कि ये दुनिया का सबसे दूर दराज आइलैंड है। यहां से 2075 किलोमीटर के रेडियस में दूसरा कोई आइलैंड नहीं है। इतने रिमोट आइलैंड पे इतने भारी भरकम मूर्तियां आखिर बनाए किसने और क्यों?